नमस्कार दोस्तों। तो ये है Realme 9 Pro Plus, जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसमें एक नया अपडेट आ चुका है Realme UI 3.0 में, और ये वाला वर्जन है RMX 3392 8.09। तो आप कह सकते हैं 8.09 वाला हमें अपडेट यहाँ देखने को मिल गया है, और ये वाला अपडेट है वो 4 GB के आसपास है। तो ये वाला अपडेट मैं अपने फ़ोन में कर चुका हूँ। बाहर तो उन्होंने लिखा हुआ सिक्योरिटी पैच को उन्होंने एक नया डाला है, ऑप्टिमाइज़ किया गया कैमरा परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस है। और जब इसके बाद आप अबाउट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि कुछ इश्यूज थे, एप्लीकेशन इश्यूज जो उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, कुछ नॉन इश्यूज थे वो भी इन्होंने यहाँ ठीक कर दिए, इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस को भी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। और आप चाहें तो ये वाला अपडेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक दिन से ज़्यादा हो चुका है जब मैं इसको अपडेट कर चुका हूँ, और अभी तक मेरा फ़ोन बिल्कुल ही परफेक्टली फाइन चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँगा, आपको पहले सिक्योरिटी पैच दिखा देता हूँ कि भाई वो कहाँ शो कर रहा है। तो वो शो कर रहा है 5 फरवरी का 2022 का। अब यार फोन आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें एक पहला अपडेट मिलता है, इसमें सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया था फरवरी का, पहले दिसंबर के महीने का था। तो ब्रांड से उम्मीद करता हूँ कि आगे जब भी कोई नया फोन लॉन्च करे तो पहले उसे अपडेट कर दे लेटेस्ट वर्जन पे, ताकि यार जब भी कोई बंदा नया फोन ले तो उसको यूज सिक्योरिटी पैच नाम के अपडेट्स के या फिर बहुत हैवी अपडेट्स का ना करना पड़े। अब नॉर्मली होता क्या, यार 4 GB का डेटा तो रोज किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, या तो यहाँ कहीं से मांगेगा या फिर वाईफाई के थ्रू करेगा। अब वाईफाई के थ्रू कर लिया तो ठीक है, पर यहाँ वहाँ से मांगा तो यार फिर समझ सकते हो कि 4 GB का करना भी इंस्टॉल काफी है, और स्पेस भी आपके इस डिवाइस की काफी खा जाता है। फिलहाल इसके बाद भी आपको मेरी स्पेस अभी काफी हद तक फ्री दिखाई दे रही है, तो इसने स्पेस इतना ज्यादा नहीं लिया है। अब मैं बात करता हूँ इसके बैटरी की, तो बैटरी भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कोई बैटरी में भी कोई फर्क नहीं आया है, सेम एज इट इज चल रहा है। बैटरी में नॉर्मली फर्क तब आता है, ये देखिए यूसेज ऑफ लास्ट 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले मैंने चार्ज किया था, अब भी 61% के आसपास बैटरी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्क तब आता है जब कोई ये एंड्रॉइड 13 वगैरह में जाएगा, तब बैटरी के परफॉर्मेंस में काफ़ी फर्क आएगा। कॉलिंग वगैरह मैंने पूरे दिन की है, नॉर्मली यूज़ किया है, तो कोई कॉलिंग वगैरह में भी कोई इफेक्ट नहीं आया। एप्लीकेशन में पहले भी ठीक काम कर रही थी, वैसी चल रही है। और कैमरा अगर मैं बात करूँ तो कैमरा में भी मुझे कोई ऐसा फर्क यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं सेल्फी लूँ तो मैं सेल्फी भी लेकर आपको दिखा देता हूँ, और पोर्ट्रेट मोड में भी लेकर दिखा देता हूँ, तो उसमें भी मुझे कुछ फर्क यहाँ पे नजर नहीं आया है। जो पहले ही मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा अनबॉक्सिंग वाले में, कि पहले ही वो यहाँ के आसपास से पोर्ट्रेट मोड में ब्लर कर रहा था, वो अभी भी कर रहा है, तो वहाँ पर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसको, देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल मोड में तो इतना फर्क नहीं है। सेल्फी कैमरा में कहूँगा कि इतना ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं है जितनी पहले उम्मीद थी कि भाई हो जाएगी, पर उतनी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ और की नहीं है। और यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे भी कुछ और भी फर्क यहाँ पे कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ है जो पहले ही थी। तो इसकी एक वीडियो मैं पहले ही डेडिकेटली मैंने आपको कहा था मैं बनाने वाला हूँ, तो वो नॉर्मली आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल जाए कि और दिख जाए कि भाई कैसे कैसे अलग अलग मोड्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए, और क्या क्या उनके हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो मेरी तरफ से अगर आप ये अपडेट करना चाहते हैं तो इस अपडेट को पक कर लें, कोई भी यहाँ पे आपको फर्क महसूस वगैरह नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे अच्छा चलेगा, और कोई भी आपको फ़ोन में ऐसी दिक्कत नहीं होगी, तो बिल्कुल सेफ अपडेट है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि जब भी कोई अपडेट आए उससे सबसे पहले दूसरी की वीडियो जाकर देखें, चेक करें कि यार इस अपडेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी बार ऐसी बात होता है कि यार अपडेट आता है और ये फ़ोन हमारा चलना बंद कर देता है। तो आप जल्दबाजी ना करें अपडेट की, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अपडेट करना ठीक रहेगा कि नहीं करना रहेगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली ज़्यादातर हर फोन की अपडेट्स को पहले करता हूँ और फिर बताता हूँ कि अपडेट करना ठीक है कि नहीं। तो फिलहाल इस अपडेट को अगर आप स्किप भी कर देंगे तब भी कोई फर्क यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, और आपका फोन तब भी ठीक काम करेगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मुझे कोई भी फर्क ऐसा महसूस नहीं हुआ है जैसे कि पहले तक, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार ऐसा कुछ भी चीज़ या फर्क यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है इस हमारे Realme 9 Pro Plus में। तो जाएं आप अपडेट करें, बस ध्यान रखें कि आपके पास इतना अवेलेबल डेटा हो और फोन की बैटरी बिल्कुल ठीक ठाक हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, तो चैनल की सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।